हेलो एवरीवान आई कुमल शर्मा वेलकम्स यू ऑल एट योर ओन गार्गी क्लासेज अ प्लेस वेर यू कैन ईजीली गेट ऑल द इंफॉर्मेश्स रैलविड टू योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स सो आज के इस सेशन में हम उन सारे वर्ड्स और विकैबलरीज को डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है कल के एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर एंड टुडेज एडिटोरियल डिस्कशन राइट बिकॉज ऑफ सम रीजन्स आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड द वीडियो यास बिकॉज ऑफ़ दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दोजलरीज एंड वर्ड्स टूडे ओनली which are related to yesterday and today so let's begin with the first word so for today your first word is perturb perturb is basically adjective ka role play karta hai ek sentence mein aur iska matlab hota hai feeling anxiety or concern ठीक है जब आप इस तरीके की feelings आपके अंदर आती है जो anxiety या concern या किसी तरीके का कोई भी tension arise करती है उसी को बोला जाता है perturb. ठीक है तो so, इसके सिनोनिम्स क्या हो गए टू अनोयड या फिर डिस्टर्बड परप्लैक्सड भी बोल सकते हो आप उसको एंड द एटनम्स आर वाइल यू आर प्लीज एंड वेरी हैप्पी सो द यूज़ ऑफ द वर्ड इज शेयर एंड फील पटर्ब अबाउट द नॉइज अराउंड है कि जो भी उसके चारों तरफ आवाज़ें हो रही हैं वो उससे कंसर्न फ्री है उसको लेके वो अनॉयड नहीं हो रही है तो यहाँ पे ये वर्ड यूज होता है दैट इज़ पटर्ब नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज़ बॉकडाउन बॉकडाउन का मतलब होता है अ व्हीकल स्पेशली अ व्हीकल नॉट एबल टू मूव बिकॉज इट हैज संग इन टू सॉफ्ट ग्राउंड अगर दलदल में कोई व्हीकल फंस जाता है किसी मिट्टी के ढेर में कोई व्हीकल फंस जाता है और वो वहाँ से मूव नहीं हो पाता तो उसको बोला जाता है बेसिकली बॉकडाउन वॉकडाउन का यूज़ हम कॉमन ह्यूमन कंडीशंस में भी कर सकते हैं जब हम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में फंस जाते हैं और उससे हम निकल नहीं पाते हैं. तो वहाँ पे भी हम डाउन टर्म का यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट वर्ड इज़ डेबिलिटे डेबिलिटेट इज़ अ वर्ब इसका मतलब होता है मेक समवन इन्फर्म किसी को कमज़ोर बनाना वीक बनाना कोई भी ऐसा मतलब अगर आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड्स टूवर्ड्स द या नाउदर पर्सन तो वो चीज़ें आपके वर्ड्स या आपका बिहेवियर उसे इनफर्म बना बनाता है या फिर ऐसी कोई आपके फ़िज़िकल डिजीज़ जो आपको इन्फॉर्म या वीक बनाती है तो वहाँ पे डिबिलिटेड वर्ड का यूज होता है तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए एनफीबल या फिर डिवाइटलाइज एंड आर स्ट्रेंदन या फिर एनवीगोरेट सो ही वॉज डिबिलिटेटेड बाई ए स्टामक अपसेट बिकॉज ऑफ अ स्टामक पेन वो क्या फील कर रहा है कमजोर हो गया है ठीक है इनफॉर्म हो गया है सो दिस इज द वर्ड डिबिलिटेट नेक्स्ट वर्ड इज सबवर्सिव सबवर्सिव एक्जैक्टिव और नॉम दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में और इसका मतलब होता है ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय और डैमेज अ गवर्नमेंट रिलीजन और पॉलिटिकल सिस्टम बाई अटैकिंग इट सीक्रेटली एन इन एन इनड वे इनडायरेक्ट तरीके से या सीक्रेटली किसी रिलीजन पर किसी पॉलिटिकल सिस्टम पर या किसी गवमेंट को किसी भी सिस्टम को या किसी प्लान को डिस्ट्रॉय करना उससे डैमेज करना इससे ओके तो सब्वरसिव का डायरेक्ट मीनिंग क्या हो गया किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम रिलीजन और पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना उसे डैमेज करने की कोशिश करना सीक्रेटली या फिर इनडायरेक्टली सो दे वी कैन यूज दिस वर्ड दैट इज सबरसिव सबरसिव का मतलब सनोनम्स क्या हो गए डिसरप्टि या फिर इंसर्जेंट डिसरप्टिव एंड इंसर्जेंट आर दिन एंड आर लॉयल या फिर वेरी ओबीडियंट सो ही वॉज इंगेज इन अ सबवर्सिव एक्टिविटीज़ की वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जिसके थ्रू वो इंडाक्टली सीक्रेटली किसी सिस्टम को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं सो दे वी कैन यूज़ दिस वर्ड दैट इज़ सब नेक्स्ट वर्ड इज मद मर्याड नाउन और एड्जैक्टिव दोनों का रोल्स प्ले करता है एक सेंटेंस में और इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स जब किसी भी कोई भी चीज़ की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा होती है लोग बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो तो वहाँ पे मायरिड वर्ड का यूज़ होता है तो सॉरी इट्स अ मिर्याड नॉट मायरिड मरिया वर्ड का यूज़ होता है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मल्टीट्यूड या फिर काउंटलेस मल्टीट्यूड और काउंटलेस एंड एंटोनिम्स आर बाउंडेड या फिर लिमिटेड सो आई विल नेवर बी एबल टू काउंट द मीरिया ब्लेसिंग्स आई हैव रिसीव्ड कि मैंने इतनी सारी काउंटलेस um, uh, जो ब्लेसिंग्स है वो रिसीव करी है कि मैं उनको काउंट ही नहीं कर सकता सो दिस इज़ द वर्ड मेरी आर्ट नेक्स्ट वर्ड इज लॉगर हैड लॉगर हैड इज अउन लॉगर हैड का मतलब होता है अथिक हैडेड और स्टूपिड पर्सन एक ऐसा पर्सन जिसका हम बोलते हैं ना uh, दिमाग बहुत ज़्यादा हैवी है मतलब वो अपने ब्रेन का ज़्यादा यूज़ नहीं करता है स्टूपिड पर्सन राइट सो एक्डेड मैन और अ स्टपिड पर्सन इज़ व्हाट वी कॉल लॉगर हेडेड सो स्टूपिड या अग्रेसिव हम इसके लिए सनोनम्स यूज करेंगे एंड आर व्हाइल द पर्सन इज़ वेरी काम एंड वेरी एग्रीबल सो मैनेजमेंट एंड स्टाफ आर एट लॉगर हैड्स ओवर द प्लान ये जो प्लान बनाया गया है उसके ऊपर जो मैनेजमेंट और स्टाफ है दोनों ही लॉगर हैड्स हैं दे आर ब्लॉक हैडेड सो दिस इज वर्ड लॉगर हैड नेक्स्ट वर्ड इज फनाटिसिज्म फनाटिसज इज़ अ नाउन फनाटिसम का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फनाटिकल मतलब कट्टर होना किसी चीज़ को लेके बहुत ज्यादा रिजिड होना स्टर्बन होना ठीक है सो so, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे एक्सट्रीमिज्म या फिर जील? किसी चीज़ को एक्सट्रीमली आप कर, जब फॉलो करते हो एक्सट्रीमली आपके फेद होते हैं किसी पे एंड यू डोंट वांट दोस टू बी ब्रोकन तो वहाँ पे फनाटिसिज्म बेसिकली एज अ नाउन यूज़ होता है सो so, इसके एंटेनम्स हो गए मॉडरेशन या फिर इंडिफरेंस, सो दिस गेव राइज टू अ स्ट्रेंज आउटब्रेक ऑफ फनाटिसिज्म कि जो कुछ हुआ उसकी है उसकी वजह से फनाटिसिज्म का आउटब्रेक होना नेचुरल है नेक्स्ट वर्ड इज पैरिलस पैरिलस इज़ एन एक्जैक्टिव इसका मतलब होता है फुल ऑफ डेंजर कोई भी सिचुएशन सर कोई भी ऐसा पर्सन जो कम्प्लीटली डेंजरस हो तो वहाँ पे पेरलस वर्ड का यूज़ होता है सो so, डेंजरस या फिर रिस्की हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे एंटनम्स आर सेफ एंड वेरी सिक्योर सो एफर्ट्स वर मेड टू एस्केप द नेसेसिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द पेरेस एंड कि कुछ एफर्ट्स ऐसे किए गए हैं द एफर्ट्स आर मेड कि जो नेसेसिटी है ऑफ द एक्सेप्टिंग द डेंजरस एड्स तो बेसिकली उसको अवॉइड करने के लिए कुछ एफर्ट्स किए गए सो दिस इज द वर्ड दैट इज परलेस नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है लॉन्ग मेटल पॉल्स एंड वुडन बोर्ड्स दैट फॉर्म अ स्ट्रक्चर व्हिच इज़ पुट नेक्स्ट टू अ बिल्डिंग सो दैट पीपल हु आर बिल्डिंग पेंटिंग एक्सेट्रा कैन स्टैंड एंड वर्क ऑन इट बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है या तो मेटल का भी हो सकता है वो वुडन का भी हो सकता है जिससे कि जो बिल्डिंग का, का काम करते हैं कंस्ट्रक्टिंग का काम का करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्टिंग का या पेंटिंग का काम का करते हैं तो उस पर खड़े होके उस स्ट्रक्चर पे खड़े होके पे हो वो पेंटिंग करते हैं बिल्डिंग बनाते हैं उसी को बेसिकली स्कैफोल्डिंग बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्जेनि कॉन्जैनिटल कॉन्जैनिटल इज एन एडजेक्टिव इसका मतलब होता है अ डिजीज बिगनिंग एट एंड कंटिन्यूइंग सेंस बर्थ कोई भी ऐसी बीमारी जो किसी पर्सन को बचपन से ही हो या फिर ये चीज़ हो सकती है हो, हो सकता है वो बीमारी आपको आपके एनसेस्टर्स से मिली हो ठीक है हेरिडट्री कोई भी प्रॉब्लम जब हमारे अंदर होती है तो बेसिकली उसी को कॉन्जैनिटर बोला जाता है या फिर फैमिली इस्टेब्लिश्ड हैबिट या फिर आपके अंदर ऐसी इनबिल्ट हैबिट होती है जो बचपन से ही आपके साथ होती है सो दे वी केन यूज़ दिस वर्ड दैट इज़ कंजैनिटल सो इनबॉर्न या फिर इनेट हम इसके लिए सनानम्स यूज़ करेंगे एंटेनम इज इक्वायर्ड सो ही हैज़ ए कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट कि उसके जो हार्ट डिफेक्ट है कंजैनिटल है वंशानुगत है सो दिस इज़ द वर्ड कंजैनिटल या फिर इनबॉर्न भी बोल सकते हो जो पैदा होता है बच्चा तब से उसकी जो इनबेल जो भी चीज़ें होती हैं उसको बेसिकली कंजैनिटल बोला जाता है नेक्स्ट टर्म इज़ हाइफन हाइफन बेसिकली सिंबल को बोला जाता है विच इज़ यूज फॉर ज्वाइनिंग टू वर्ड्स टुगेदर दो वर्ड्स को एक साथ जोड़ने के लिए इस मार्क का यूज़ होता है सिग्नल का यूज़ होता है जैसे लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट हैंडेड दोनों दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए इस मार्क का यूज़ कर, करते हैं जिसको हाइफन बोला जाता है और टू शो दैट अ वर्ड हैज़ बीन डिवाइडेड एंड कंटिन्यूअस ऑन द नेक्स्ट लाइन जब एक लाइन खत्म हो जाती है और कोई वर्ड लेफ्ट रह जाता है तो बेसिकली उस वर्ड को दूसरे लाइन के वर्ड से कनेक्ट करने के लिए भी हाइफ़न वर्ड हाइफ़न जो मार्क है जो सिग्नल है उसका यूज़ किया जाता है सो दिस इज वर्ड और टर्म हाईफोन नेक्स्ट टर्म हेयर इज डेल्यूश डेल्यूश बेसिकली अब साडन वेरी वी फॉल ऑफ रेन अ सिवियर फ्लड बहुत तेज जब बाढ़ आती है उसको डल्यूश बोला जाता है या बहुत तेज जब बारिश आती है उसको भी डल्यूश बोला जाता है नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेल ट्रेल नाउन और वर्ब दोनों का रोल प्ले करता है इसका मतलब होता है अ सीरीज ऑफ मार्क्स इन अ लॉन्ग लाइन दैट इज लेफ्ट बाई समबडी समथिंग विद मूविंग अहेड कोई भी पर्सन कोई भी एनिमल या कोई भी ऐसी चीज़ जो आगे बढ़ती जाती है ठीक है और जब आगे बढ़ती जाती है तो पीछे उसके जो फुटप्रिंट्स रह, रह जाते हैं जो मार्क्स रह जाते हैं सीरीज ऑफ मार्क्स रह जाते हैं जो कि सिग्नलाइज करते हैं कि ये एनिमल या ये पर्सन या ये चीज़ इस तरफ गई है उसी को बेसिकली ट्रेल बोला जाता है फुट प्रिंट्स छोड़ना अपने ठीक है प्रिंट्स छोड़ना सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे सीरीज एंड स्ट्रीम एंड द एंटनमज लीड टू लीड द हेड सो द डॉग्स रन ऑफ ऑन द ट्रेल ऑफ द फॉक्स की डॉग्स जो है वो फॉक्स के जो ट्रेल्स हैं फॉक्स के जो प्रिंट्स हैं फुट प्रिंट्स हैं उस पर चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं ठीक है सो दिस इज द वर्ड दैट इज़ ट्रेल नेक्स्ट वर्ड इज़ बिम्यूज बीम्यूज इज एन एडजैक्टिव बिम्यूज़ का मतलब होता है अनेबल टू थिंक क्लियरली किसी भी चीज़ के बारे में जब आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो तो वहाँ पे बिम्यूज वर्ड का यूज़ होता है तो कन्फ्यूज या पजल्ड हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज करेंगे एंटनम्स आर वाइल वेरी मच कॉन्शियस एंड क्लियर टूवर्ड्स योर व्यूज सो शी लुकड अ लिटिल बीम्यूज की वो थोड़ी सी कंफ्यूज नजर आ रही है सो दिस इज वर्ड बीम्यूज नेक्स्ट वर्ड इज यूजनिक यूजनिक का मतलब क्या होता है रिलेटिंग टू और फिटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ स्प्रिंग कोई भी चीज़ जो रिलेट करती है रिप्रोडक्शन से बेटर रिप्रोडक्शन गुड ऑफ स्प्रिंग ठीक है अच्छा रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी भी चीज़ को तैयार करना ठीक है गुड फिटेड और फिटेड फॉर द बेटर रिप्रोडक्शन और द प्रोडक्शन इज वॉट वी कॉल यूजनिक नेक्स्ट वर्ड इज स्टिग्मा स्टिग्मेटाइज स्टिग्मेटाइज इज वर्ब स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है डिस्क्राइब एज वर्दी ऑफ डिस्क्रेस और ग्रेट डिसअप्रूवल मतलब कलंक लगाना बेसिकली सीधा सा इसका मतलब है तो स्टिगमेटाइज़ का मतलब क्या हो गया डिस्क्राइब और रिवील एज वर्दी ऑफ डिस्क्रेस कोई भी ऐसी चीज़ जो डिस्क्रेस के लायक हो ग्रेट डिसअप्रूवल के लायक हो जिसपे ब्लेम किया जा सके कलंक लगाया जा सके तो वहाँ पर ये वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ स्टिगमेटाइज तो इसके सेना क्या हो जाएंगे कंडेम या फिर डिनाउंस करना या फिर इसके एंटेनम्स क्या हो जाएंगे टू प्रेज और कॉम्प्लीमेंट सो ही वॉज स्टेगमेटाइज एज अ वॉयलेटर ऑफ द एग्रीमेंट कि उस पर ये कलंक लगाया गया है कि वो वॉयलेटर है इस एग्रीमेंट का सो दिस इज द वर्ड दैट इज स्टेगमेटाइज नेक्स्ट वर्ड इज लिंगर लिंगर इज अ वर्ब लिंगर का मतलब मतलब होता है एज सॉरी uh, स्पेंड अ लॉन्ग टाइम ओवर समथिंग किसी भी चीज़ पे बहुत लंबा टाइम जब आप स्पेंड कर देते हो या किसी भी चीज़ को ख़त्म करने में आप बहुत लंबा टाइम लेते हो या फिर लिंगर का मतलब होता है कोई भी एक चीज़ जो एक जगह सिर्फ एक जगह स्टेबली uh, लटकती रहती है तो वहाँ पे भी लिंगर वर्ड का यूज़ होता है बेसिकली तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे परसिस्ट परसिस्ट कंटिन्यू रहना रिमेन या कंटिन्यू भी आप बोल सकते हो उसको And the antonyms are vanish, yet disappear. So the tradition seems to linger on. कि ये जो tradition है ये ऐसे लगते हैं जैसे ये बहुत time तक चलते ही रहने वाले हैं ऐसे ही। Another word is beckon. Beckon is a verb. Beckon का मतलब होता है to show somebody with a movement of your finger or hand that you want him or her to come closer. ठीक है हाथ हैंड जेस्चर के थ्रू किसी को अपने पास बुलाना या कुछ साइन देना या कुछ इशारा करना इज वॉट वी कॉल बैकन तो जेस्टर या सिग्नल को हम क्या बोलेंगे बैकन एंड दीज आर दिन ऑफ द वर्ड एंथनम्स हो जाएंगे इसके डटर या फिर रिपेल सो शी बैकन मी ओवर टू स्पीक टू हर कि उसने मेरी तरफ इशारा किया कि मैं उससे बात करूँ सो दिस इज द वर्ड बैकन इशारा करना अनदर वर्ड इज कॉटेडिंग सॉरी कॉटिडियन कॉटिडियन इज एन एडजेक्टिव इसका मतलब होता है ऑकोरिंग एवरी डे कोई भी चीज़ जो लगातार हर दिन एक जैसी हो रही है उसको बेसिकली बोला जाता है कॉटिडियन तो इसका सिनानम्स हो जाएंगे यूजुअल या फिर डेली एंड दम्स आर अनयूजल या फिर वेरी रेयर सो टेकिंग द डॉग ऑन अ वॉक एज अ कॉटिडियन इवेंट फॉर द एल्डरली कपल कि जो एल्डरली कपल है ये इनका डेली रूटीन है कि वो अपने डॉग को वॉक पे लेके जाते हैं सो दिस इज द वर्ड कॉटिडिन बिलीगर्ड बिलीगर्ड इज एन एक्जैक्टिव इसका मतलब होता है इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन जब आप बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हो या डिफिकल्ट सिचुएशन आपके सामने होती है बेसिकली उसी को बोला जाता है बिलीगर्ड तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बॉदर या फिर अनॉय एंक्शस भी बोल सकते हो आप इसको एंड देंटनम्स आर वाइल आर सूद एंड प्लीज सो पीपल लिविंग इन सम एरियाज आर फीलिंग मोर बेलग बेलगर्ड दैन दे हैव फेल्थ फॉर मेनी ईयर्स कि कुछ लोग इस एरिया में जो कुछ एरियाज़ में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा एंक्शियस अपसेट होते हैं बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में होता है ठीक है सो दिस इज़ द वर्ड दैट इज़ बेलगर्ड नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्रावेंशन कॉन्ट्रावेंशन इज अनाउन कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है एन एक्शन विच ऑफेंस अगेंस्ट अ लॉ ट्रीटी और अदर रूल कोई भी ऐसा एक्शन या एक्ट जो कि ऑफेंड करता है या अगेंस्ट में होता है अ लॉ ट्रीटी या फिर किसी रूल या रेगुलेशन के अगेंस्ट में ठीक है सो so, अगेंस्ट में होना ऑफ एनी रूल लॉ ट्रीटी एनी टर्म्स ठीक है सो दिस इज दर्ट कॉन्ट्रावेंशन And the synonyms of the word are breach here for violation. Antonyms are peace or harmony. So these actions are in contravention of European law. So this is the word contravention. So these were the words which are related for to today and yesterday. So thank you so much and stay continue with Gargi classes. और अगर आपको इस सेशन की पी फाइल चाहिए तो डेफ़िनेटली आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है थैंक यू